पुलिस ने अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश। 12 मार्च को कानवन पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रलाइता कोत रोड पर जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की बोरी में भरी हुई लाश पड़ी है। कानवन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेती है। युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें होने से शिनाख्त करना पुलिस के लिए चुनौती थी। कानवन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। मामला अंधे कत्ल का होने की वजह से धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में तथा बदनावर एसडीओपी जयंत सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में कानवन पुलिस की एक टीम गठित की गई और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई तो पता चला कि मृतक करण सिंह मोगिया उम्र 46 वर्ष निवासी कोत का रहने वाला था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि जमीनी विवाद व महिला से अवैध संबंध के चलते करण सिंह की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश और उसके साथी नंदाराम को कानवन पुलिस ने गिरफ्तार कर इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। कहा जाता है कि शातिर अपराधी कितना भी चालाक हो पुलिस से नहीं बच सकता है। व्यक्ति की लाश मिली थी बोरे में, जिसमें 302 का जो है मामला रजिस्टर किया था और ये ब्लाइंड मर्डर इस पर एसडीओपी बदनावर सीआई कानवन उनकी टीम ने वर्क किया और पहले मृतक की शिनाख्त करण सिंह का मोहनदास मीडिया थोड़ा बोल रहा हूँ इतना तो नीचे पूरा नीचे कर लो थोड़ी थोड़ी वाइल हटे किया गया और उसमें तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया। सुरेश नंदराम और कपूर सुरेश है वो मृतक का मृतक की जो वाइफ है उसका जीजा लगता है और करीब 3 महीने से महिला के साथ रह रहा था और उनका उनका जो ससुर है उसके प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर जिसने सडन रचा और गोली के अगले दिन बुलाया शराब पीने के बाद हत्या कर दी तो तब ले गए। हत्या करने के बाद उन्होंने उसको बोरे में डाला और पुलिस ने तीनों एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ब्लाइंड मर्डर था काफ़ी चैलेंजिंग था, इसमें मृतक की जो शर्ट है उसका टायर चेक कराया गया वो बदनावर का पास का था, उससे यह पता चला कि ये व्यक्ति लोकल है और उसके अलावा जो गांव में पुलिस ने चौकीदार रहे लगातार करीब 105 चौकीदारों से हाँ।